महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर क्यों हो रहा टकराव? क्यों अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया और बोला जा रहा है कि उनके डाउट सेलिंग हैं? 12 सीटों पर क्यों दावपेच फंसा हुआ है और क्यों ये सीट बहुत ज्यादा असमंजस की स्थितियां ला रही हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी अजीत गुट में टकराव हो गया है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया और महायुति की ओर से यह सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा ने भी पाटिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वे मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, यानी कि टकराव यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब नवाब मलिक के लिए कैंपेन भाजपा नहीं करने वाली है। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने बुधवार को कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम पहले भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ थे, अभी भी उनका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम से लिंक होने की बात सामने आ रही है और यही कारण दिया गया है कि उनके लिए किसी भी तरीके का कैंपेन प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। एनसीपी ने अनुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट दिया, जो महायुति की ऑफिशियल कैंडिडेट भी है। आशीष ने कहा कि भाजपा को सना की उम्मीदवारी से दिक्कत नहीं है, यानी कि नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, उनकी उम्मीदवारी से दिक्कत नहीं है। पार्टी उनका समर्थन जरूर करेगी और भाजपा ने यह भी बोला कि दाऊद से जुड़े लोगों पर भाजपा का रुख पहले ही साफ था। भाजपा के अध्यक्ष आशीष ने कहा कि हमने बार बार दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और यह बात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कही है और अब मैं भी यही कह रहा हूँ। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि कुल जो मिलाकर सारा सार है वो है नवाब मलिक के चुनावी मैदान में उतरने और उनके कैंपेन को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, जिससे भाजपा बिल्कुल किनारा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनकी बेटी जो सना मलिक है वो भी चुनावी मैदान में है, उसके लिए कैंपेन जरूर करेगी भाजपा। और ये भी कहना है आशीष का कि हमारा मानना है कि महायुति के सभी सहयोगियों को अपने उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन नवाब मलिक को लेकर भाजपा का रुख बिल्कुल साफ है। नवाब में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी पर्चा भरा था और मलिक ने नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को दो पर्चे दाखिल किए थे। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन पार्टी ने एबी फॉर्म भेजा और हमने दोपहर तकरीबन उन्होंने 3:45 बजे के आसपास एबी फॉर्म जमा कर दिया था। और उनका ये भी कहना है कि एनसीपी का आधिकारिक उम्मीदवार अब वो बन चुके हैं और इसकी तैयारी में वो लगातार जुट गए हैं। देखिए कि कुछ सीट्स हैं जिसको लेकर दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके बीच में कुछ टकराव की स्थितियां हैं, लेकिन यहां पर जब नवाब मलिक की बात आ रही है तो नवाब मलिक को टिकट देना कहीं ना कहीं एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया और अब भाजपा उनके लिए बिल्कुल भी कैंपेन करने के लिए तैयार नहीं है। कह सकते हैं कि पार्टियां टकराव की स्थिति में नज़र आ रही हैं और एक तरफ नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम से लिंक होने के कारण भाजपा ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगी और ये बार बार कहा जा रहा है महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, आशीष की तरफ से। हालांकि उनकी बेटी के लिए प्रचार जरूर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो देखना ये है कि बाकी जो अन्य सीटें हैं उस पर किस तरीके के फैक्टर्स सामने आते हैं। आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर ज़रूर साझा करिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।